दोस्तों, जहां एक तरफ देखा जाता है कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अपनी गैर मौजूदगी में लोगों की जान ले लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है कि चाहे जो भी हॉस्पिटल हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, लोग जो है एक उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमारा जो ये मरीज है वो ठीक होके आएगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है, चंद सांसें अटकी हुई होती हैं और लोग जो है वहीं इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन बड़ी बात तब देखी जाती है जब डॉक्टर सरकारी सैलरी तो उठाते हैं, एक सरकारी नौकरी तो करते हैं, लेकिन नौकरी पर पहुंचते नहीं हैं, जिसकी वजह से लगातार इस तरीके की जो है आशा लगाई जाती है। लोग जब परेशान होते हैं, त्रस्त होते हैं, जब दूर दूर से अपने मरीजों को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तब देखा जाता है कि लोग पहुंच तो रहे हैं लेकिन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं है। डॉक्टर या तो अपनी खुद की क्लिनिक चला रहे हैं, खुद की दवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें संतुष्टि ही नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक खोलकर चलाने लगते हैं। उसमें एक चीज़ देखी जाती है जो कॉमन बात होती है कि एक डॉक्टर नहीं, कई डॉक्टर करते हैं ऐसे। उनको सिर्फ उतने पैसे से, यानी कि सरकारी नौकरी भर से उनका पेट नहीं चलता, बल्कि उन्हें एक अलग से जॉब करनी ही है। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है कि हॉस्पिटल से बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके वो इलाज करते हैं। हालांकि उनका ये उद्देश्य नहीं है कि मैं उसका सेवा कर रहा हूँ अन्य व्यक्ति का, उनके पास टैलेंट होता है, जानकारी होती है, लेकिन उस अनुभव को, उस पढ़ाई का यूज वो कोई सेवा करने में नहीं लगा रहे, बल्कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से भी फायदा चाहिए। लगातार देखा जाता है, जहाँ आपको हम बता दें कि ऐसा ही सीधी जिला का एक सिमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 9 बजे से ड्यूटी लगती है, 2 बजे तक एक शिफ्ट का। मैं यहाँ डिलीवरी का केस लेके आया हूँ। कितने बजे आए हैं? 4:30 बजे सुबह। 4:30 बजे सुबह लेके आए हैं और मतलब 12 बजने वाले हैं लगभग। जी जी। और अभी तक कोई भी चिकित्सक यानी कोई भी आपको डॉक्टर नहीं मिले यहाँ पे? जी। अभी तक कोई जांच हुई है? नहीं सर, कोई जांच नहीं। नर्स वगैरह कोई जांच किए हैं? नहीं, नर्स एक टेबलेट दे दी है तो उसे थोड़ी पीड़ा शांत हुई थी 1-2 घंटे के लिए, अब फिर से वही शुरू हो गई है। तब अपना मरीज लेकर सीधे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या यहाँ मरते सोरी छोड़ देंगे। सही, जो सिमरिया ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर 9 बजे से 2 बजे तक की जो ड्यूटी देखी जा रही, यहाँ पर ड्यूटी में बताया जा रहा है कि श्रेया त्रिपाठी की ड्यूटी लगी हुई है। डॉक्टर श्रेया त्रिपाठी वहाँ पर 9 बजे से 2 बजे तक उनकी ड्यूटी है, लेकिन वहाँ पर मौजूद वो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगर वो नहीं है तो कोई अन्य डॉक्टर ही होना चाहिए, लेकिन कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। आपके सामने देखी जा रही कि ये कुर्सी जो है खाली पड़ी हुई है। अगर कुर्सी खाली है तो हो सकता है कि इलाज कर रहे हों, लेकिन इलाज भी नहीं कर रहे हैं। आम जनता परेशान है, बैठी है, इंतजार कर रही है, लेकिन उसका क्या भाई? जिला कलेक्टर हैं, उनसे अगर इस बात पर अगर हम कहें कि वहां पर पत्रकार पहुंच के पड़ताल करने पहुंचा है कि आखिर में यहां पर पड़ताल में देखा जाए कि डॉक्टर मौजूद हैं साहब या नहीं है, अगर नहीं है तो हम दिखा देंगे, अगर वो दिखा देंगे तो भैया वो लाठी डंडा चलाने लगेंगे, आपको पता ही। और अगर आप दिखा दें कि नहीं है तो अगले दिन आपके ऊपर FIR भी हो सकती है कि ये पत्रकार ने हमारे साथ अभद्रता किया है, यहां तक कि लाठी डंडे चलाया है, हमारा सर फोड़ दिया है भैया। इस तरीके का अगर जानकारी अगर रिलीज भी करेंगे, इस पर अगर हम कलेक्टर का बयान लेने पहुंचेंगे तो कलेक्टर महोदय हमारे कहते हैं कि वो तो स्वतंत्र है। अगर इतना स्वतंत्र हुआ है तो क्या हम स्वतंत्र नहीं है? ये सवाल एक उठता है कि हम स्वतंत्र नहीं है क्या दिखाने के लिए कि जो सेवा करने के लिए हमारे जूते चप्पल का पैसा टैक्स काट कर उन्हें दिया जाता है GST, अगर मैं ये देख रहा हूं कि आखिर में आप लोगों की मदद भी कर रहे हैं या नहीं, आप ड्यूटी कर रहे हैं या नहीं, तो गलत क्या है? लेकिन इस दौरान हमारे जिले के कलेक्टर मौन हो जाते हैं, तब नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद एक सरकारी कर्मचारी, यानी कि सरकारी नौकरी पर वो जो व्यक्ति है वो सरकारी नौकरी पर सवाल क्यों उठाता है? नहीं उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आम जनता मर रही है, उसकी पीड़ा जो है आपके आंखों के सामने है। कई सारे लोग आते हैं, वहां डिलीवरी केस आ रहा, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस गैर मौजूदगी में कई लोगों की जान जा रही है। आम जनता आवाज नहीं उठाना चाहती, आम जनता मौन होकर सिर्फ देखना चाहती है, क्योंकि आम जनता भी अगर बोल देती है तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके ऊपर केस चलता है। 181 अगर आप शिकायत कर दो तो पुलिस आपको उठाकर थाने में ले जाकर इसके बाद आपका 181 कटवाएगी। ये मैं नहीं, आम जनता कहती है। लगातार देखा जाता है कि ये वारदात कब तक इस तरीके से चलता रहेगा, ये वारदात होती रहेंगी। हमारे इस समाज में जो इस टाइम ये जो गुंडागर्दी चल रही है,
सरकारी कर्मचारियों की मनमर्जी जो चल रही है शायद कभी देश में ना रही हो, लेकिन आज जरूर देखी जा रही, जिसके चलते आम जनता जो है मर रही। आम जनता क्या करे आखिर में, ना वो बोल सकती और ना ही वो उस गुस्से को बर्दाश्त कर सकती। मन ही मन सिर्फ वो इस तरीके से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है कि उनके सामने उनका बेटा मर जाता है और वो सिर्फ चिल्ला कर फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन एक आम जनता जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी तो शायद प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगती, क्योंकि जब मीडिया अगर सवाल करती है तो उनका यही कहना कि स्वतंत्र है, लेकिन कितना स्वतंत्र है। लगातार जुड़े रहिएगा तरंग 24 न्यूज़ से। और हाँ, सुनिए ये बयान, पीड़ा आप भी देखिए कि आम जनता की पीड़ा क्या है। समस्याएं लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या के लिए आई हैं आप यहाँ पे? इसका पेट पीड़ा रहा है। कितने बजे आई हैं? सवेरे आए, 10 बजे आए। अभी 12 बज रहे हैं, कोई भी ये डॉक्टर देखने को नहीं मिला है अभी। आप इन्हीं के साथ आई हैं? आप क्यों आई हैं? आप कहा के लिए आई हैं यहाँ पे? कितने बजे आई हैं आप? 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।